अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मजमून खेले करे और सीखे में सबक पढ़ेंगे इख्तियारी सरगर्मियाँ, जिसके तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि माचिस की डबिया यानी मैच बॉक्स से हम खूबसूरत गुड़िया कैसे बना सकते हैं। हमने माचिस लिया है, हमारे पास माचिस है, कुछ रंगीन पेपर है और ये ग्लू है जिसकी मदद से हम चिपकाएंगे। ये सब वसाइल का इस्तेमाल करके हम एक खूबसूरत गुड़िया बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सो हमने माचिस को इस तरीके से रंगीन कागज चिपकाया है। आप देख सकते हैं हमारे पास में दो येलो रंग के माचिस है और दो ऑरेंज रंग के माचिस है। ठीक है, अब हम इसको, ये गुड़िया की हमने एक तस्वीर बनाई है ना, आप सबको देख सकते हैं। अब इसको हम इसके ऊपर चिपकाएंगे, है ना। ये हमने गुड़िया के पैर बनाए हैं। क्या बनाए हैं? गुड़िया के पैर बनाए हैं, है ना। हाँ, सो अब बच्चों एक आप लो, हाँ आपको पर्पल चाहिए, ठीक है आप पर्पल लो, वेरी गुड। आपको ग्रीन चाहिए, आप ग्रीन ले लो, ठीक है। हाँ, और हम इसके ऊपर लाल चिपकाए। अब आपको फेविकॉल से ऐसे इसको चिपकाना है, ठीक है। हल्का सा आप इसके ऊपर ग्लू लगाए, ये चिपक जाएगा। लो चिपकाओ आपके हाथ से, हल्का सा लगाना है, ठीक है। आप लगाओ और उसको चिपकाओ। बीच में भी लगाए तो चलेगा। हाँ बीच में, हाँ हाँ, बस 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 बस। अब उसको देखो, इन्होंने चिपका दिया, वेरी गुड। आप भी चिपकाओ। ठीक है, हाँ हो गया। ऐसे बताओ, अब हम इसके हाथ और पैर भी बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हाथ और पैर के लिए हम माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे पास में बहुत सारे माचिस की तीलियां है। अब आपको बच्चों क्या करना है, इन माचिस की तीलियों को इसकी इसके अंदर की तरफ चिपकाना है, ठीक है। हाँ, तो कोशिश ये करो कि ये खाली बॉक्स है, इसको निकाल के इसको ऐसे उल्टे कर दो, उल्टा कर दो, और यहाँ पर ग्लू के दो ऐसे बूंद लगा के आप सिर्फ माचिस की तीलियों को ऐसे रख दो, तो वो चिपक जाएगी थोड़ी देर के लिए। करो, हाँ निकाल लो, हाँ निकालो, हाँ उसको उल्टा करो गुड़िया को। हाँ, अब वहां पे किनार पर दो, अंदर अंदर, बीच में, बीच में, सेंटर में। हाँ बताओ, ये ऐसे देखो। अब इसके ऊपर दो माचिस की तीलियां रख दो यहाँ पर। अब इसके ऊपर आप भी दो माचिस की तीलियां। ये हमने उसके क्या बनाए हैं, रखो आपके हाथ से। हाँ वेरी गुड, थोड़ा ऐसा उसको पैरों को नीचे की तरफ फैला दो, और दोनों पैर जो है तो सेम होने चाहिए। हाँ हाँ, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। अब क्या करो, अब इसको ऐसे लो, हाँ इसको हल्का सा इसके अंदर, हाँ डाल दो, डालो थोड़ा सा हल्का सा, ताकि हमारी माचिस की तीलियां जो है ना तो वो निकल ना जाए। अब ये निकल रही है क्योंकि इसको थोड़ा सा चिपकने में टाइम लगेगा, ठीक है। देखो इनका अच्छी बनी, बस 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 रहने दो। हाँ वेरी गुड, इस तरीके से बताओ। हाँ लगाओ आप भी थोड़ा सा ही, ताकि इसको ये सपोर्ट मिल जाए, ये इस तरीके से, ठीक है। हाँ बताओ,
सो इस तरीके से हमने ये गुड़िया बनाई है ना। अब इसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे तोड़ दो यहाँ पे, जहां से आपका हाथ मुड़ सकता है वहां पे इसको ऐसे तोड़ दो, यहाँ पे इसको ऐसे चिपका दो। तोड़ तोड़ के हाँ, इसको हम ऐसे भी चिपका सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप आपकी गुड़िया बना सकते हो। माचिस की तीली, माचिस की डिबिया और रंगीन कागज। मुझे थोड़ी तोड़ के ठीक है,